ताजमहल, सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव जिसको कहा जाता है। यहाँ पे जो है प्रेमी प्रेमिकाएं जाके प्रपोज करते हैं, जन्मों जन्मों के उसमें वादे खाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि हम इस प्रकार से साथ रहेंगे, इस प्रकार से, मतलब इसको तो सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, प्रेम की निशानी किसकी, शाहजहाँ और मुमताज की। मुगल वास्तुकला का प्रतीक इसको कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, जो झूठ फैलाया गया है, जो आपको लगता है। सबसे पहली बात क्या बोला था, 7 अजूबों में से एक है। संगमरमर पत्थर से बना ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक आता है। चलिए इसके बारे में आइए कुछ चर्चा करते हैं, आपको कुछ जानकारी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विवादित हो सकती है, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है कि सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव है या सिंबल ऑफ लस्ट है। ऐसा मैंने क्यों बोला, आगे पता चल जाएगा। शुरू करते हैं ये तो ताजमहल, ठीक है, इसको प्रेम की निशानी कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने किसके याद में बनवाया था, मुमताज महल के याद में बनवाया था। आगे इनके बारे में डिटेल में चर्चा करने, पहले ताजमहल के बारे में जानते हैं। ताजमहल को जो है 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था, जहाँ पे इसको बनाने में टोटल 50 लाख के आसपास खर्च हुआ था, अर्थात 32 मिलियन उस समय और 50 लाख रुपए उस समय। भाई अभी के डेट में इसका जो है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, संगमरमर पत्थर से इसको बनाया गया था, जहाँ पे इसकी जो सफ़ेदी है वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि अम्ल वर्षा का जो कारण, इस पर साइंटिफिक कारण पड़ रहा है, रीज़न है इसके पीछे, जिसके सतह जो है ये जो चमक है सफ़ेदी, ये जो है पीला पड़ता जा रहा है, इसका चमक धीरे धीरे जा रहा है। जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय युद्ध से युद्ध था, तब इसको जो है हमारा सिंबल ऑफ लव मान के या फिर 7 अजूबा मान के इसको जो है सरकार ने प्रोटेक्शन दिया था, भाई साहब इसको अच्छा से इसको जो है रखा गया था, ताकि इसको जो है हमला करके इसको बम से उड़ाना दिया जाए, क्योंकि सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव भारत किसे जाना जाता है, भारत नोन एज ओनली ताजमहल। भारत में क्या है, ताजमहल, इंडिया गेट, यही बस जानते हैं, बाकी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये सब कोई किसी फर्क। तो यही तो होता था ना कुछ समय पहले तक कि ताजमहल भारत के नाम से नहीं, भारत ताजमहल के नाम से जाना जाता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है ना, मुगल वास्तुकला का प्रतीक, ऐसा घंटा कुछ नहीं है असल में आप सोचेंगे तो, ये लोग जो मुगल जो कि तुर्की थे वहाँ से आए, तो ये तुर्क लोग, मंगोल लोग जो कि उधर से आए थे, ये लोग जो है यहीं से जो है कारीगर लेके जाके वहाँ पे मीनारे बनवाते थे, और इन लोग क्या कहते हैं कि मुगल वास्तुकला ये है, घंटा मुगल वास्तुकला है भाई। चलिए ठीक है, अलग बात। तो 50 लाख रुपये खर्च करके शाहजहाँ ने इसको अच्छे से बनवाया, ठीक है, अपनी मुमताज महल के, जो कि चलिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको बनवाया 50 लाख खर्च करके, उस समय के 50 लाख। तो चलिए शाहजहाँ की जो अमर प्रेम गाथा है उसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। शाहजहाँ कौन है, वन वुमेन मैन है क्या, अच्छा आपको ऐसा लगता है क्या, चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देता हूँ, ठीक है। तो सो कॉल्ड शाहजहाँ जो कि सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव बना रहे थे ताजमहल मुमताज महल के लिए, अर्थात ये तो बहुत बड़े आशिक थे, लवर थे, ये मुगलों की जो मिसालें दी जाती हैं, ये हमें उदाहरण दिया जाता है कि लैला मजनू ये सब चीज़ का शाहजहाँ और मुमताज के लिए बनाया था, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले देखिए तो ताजमहल को कहा जाता है सिंबल ऑफ लव, और मैं कहता हूँ इसको सिंबल ऑफ लस्ट। चलिए क्यों कहता हूँ बताता हूँ आपको। मुमताज महल, ठीक है, मुमताज जो है शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी, ठीक है, उसके 7 पत्नियाँ थी, ऐसे तो उसके हरम में 5000 जो है लड़कियाँ थी, फिर कहे कि स्त्रियाँ थी, उसको यूज़ करता था, अलग बात है। तो 7 उसकी जो मेजर वाइफ्स थी उसमें से 4th वाइफ थी मुमताज, ठीक है। शाहजहाँ ने मुमताज के पति को मार के, उसके पति को मार के उसको ज़बरदस्ती शादी किया था, निकाह किया था उससे, ठीक है। मुमताज कब मरी थी, 14वें बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब भाई इधर दो दो तीन तीन निकल रहे लड़कियों से, नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा रही, इनको जो है 14वां बच्चा पैदा करते हुए भी इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं होता भाई, और सुनो, आफ्टर हर डेथ, मतलब मुमताज के मरने के बाद शाहजहाँ ने उसकी बहन से शादी के लिए कहा जाता है। मैंने तो कहीं ये भी सुना है कि उसके द्वारा जो बच्चा पैदा तो उससे ही शादी कर ली थी, भाई मैंने ये तक सुना है, मेरे को नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि शाहजहाँ ने उसकी बहन से शादी कर ली थी उसके मरने के बाद। और फिर आप कहते हो कि ये सो कॉल्ड ट्रू लव की निशानी है, तो बताइए आप किस पे हंसना चाहिए कि आदमी को गुस्सा कर क्या करना चाहिए, ये सो कॉल्ड लस्ट है कि सो कॉल्ड लव की निशानी है। सिंबल ऑफ लव कहा जाए ताजमहल को, सिंबल ऑफ लस्ट कहा जाए, चलिए हटाइए, इन लोग का जो करना था वो तो करते थे। तो भाई ये इतिहास है मुगल का, हरम हरम समझ सब शब्द सुने आप, अकबर के हरम, शाहजहाँ के हरम, इन लोग के हरम में जो है 5000-7000 जो है लड़कियाँ स्त्रियाँ होती थी, जिनको ये लोग जो है वैश्याओं की तरह यूज़ करते थे, प्रोस्टिट्यूशन की तरह यूज़ करते थे, समझ सकते हैं। मीना बाजार सुना ना, मीना बाजार कोई सामान खरीदने का बाजार नहीं था, वहाँ पर अकबर जो है लड़कियाँ छांटता था, स्त्रियों को छांटता, जिसको पसंद आता था उसको अपने हरम में लेके डाल देता था। कड़वी सच्चाइयों की बात करते हैं, ताजमहल को 50 लाख के लागत में बनाया गया था, और ये कब बना था, उस समय बना था जब भारत में बहुत बड़ा अकाल आया था, और ये अकाल भी इन्हीं लोग की वजह से आया था, क्योंकि इन्होंने जो है युद्ध के नाम पे, अपने कट्टरता के नाम पे, वहाँ के जो कृषि के जो क्षेत्र थे उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, और वहाँ पे अच्छे से बरसात भी नहीं हुई थी, तब जो है अकाल पड़ा था, जो कि
विंस्टन चर्चिल के जो अकाल था ना, बंगाल के अकाल, जिस पर हम पढ़ते भी हैं हम इतिहास में, इसको तो पढ़ते भी नहीं है, जिस समय ताजमहल बना उस समय इतना बड़ा अकाल आया था कि इसमें लाखों लाखों लोग जो है भूखे मर गए थे, और यहाँ तक कि जो है जिंदा रखने के लिए जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को बेचते थे और दास बना देते थे ताकि ये जिंदा तो रहे, किसी के संरक्षण में रहे, कि इस प्रकार से। तो इस महाअकाल के समय में ताजमहल बना है, और ये कुछ भी नहीं है। चलिए, मुगलों के सच्चाई क्या थी, उसके कितने बीवी थे, वो किस टाइप का जो इंसान था शाहजहां, वो अलग बात है, और अकाल पड़ा था ये भी अलग बात है। सबसे बड़ा जो कंप्लेनमेंट इस पर जो क्लेम किया जाता है कि जो राजस्थान के जो महाराजा है मान सिंह कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि इन्होंने जो है अपनी रानी के लिए महल बनाया था, या फिर कई लोग कहते हैं कि महादेव का जो तेजो महल है मंदिर है, तो इसके जो है जयपुर के जो राजा महाराजा है उनके पास इस जो महल है, इस जमीन का पट्टा भी है, ऐसा भी कहा जाता है। जिनके बारे में मेरे से इस बात से मेरे को एक याद आया कि जो जयपुर की हमारी महारानी थी उनसे जो है इंदिरा गांधी जलती थी शायद, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनके जो है सभी राजपाट को छीन लिया था, सरकारी जो है राजपाट को छीन लिया था, उनके महलों में तलाशी लेकर पूरे खतरे को जब्त कर लिया गया था। ये ऑफ द टॉपिक चले गए हम, लेकिन बात यह है कि जो है क्लेम करते हैं अभी जो है राजस्थान में राजपूत घराने के कई लोग कि ये जो तेजो महल है, ताजमहल, ये जमीन का पट्टा उनके पास है और ये उनकी भूमि थी, यहाँ पे मंदिर भी था, और इस प्रकार से जो है ये सनातन धर्म का प्रतीक है, ना कि मुगलों की शैली है। तो बहुत सारे चीज़ इसके बारे में बोला जाता है, जो है तेजो महाला है, ना कि ये जो है ताज या फिर मुगलों की निशानी है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ें इस पर कही जाती है। इतिहास से स्रोत में अगर आपको बताना चाहूँ तो जो है जाटों के महाराजा हमारे सूरजमल ने जो है ताजमहल पर जो है कब्जा कर लिया था, उन्होंने जो है पराजित करके मुगलों को इस पर जो है कब्जा कर लिया था। तब वो जो है पुजारियों जिसे कहते हैं, पंडितों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना पुनः करना चाहूँगा, तो उनको कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कब्र है, यहाँ पे आप ये सब नहीं कर सकते, उसको हटाइए, पवित्र हो चुका है। तब उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताजमहल को गंगा जल से धुलवाया, और उसके पश्चात वहाँ पे उन्होंने घोड़ों के जो है अस्तबल स्थापित कर दिया था, अर्थात वहाँ पे वो लोग घोड़े को बांधते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ताजमहल में ऐसा ऐसा चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो बहुत सारी इस पर रिसर्च होनी बाकी है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार को रिसर्च करना चाहिए। बाकी इतिहास तो बहुत सारी चीज़ें जो है खोलने पे जो है खुदाई करने पे जो है खोदने से निकलता है बोलते हैं ना, वैसी बात, इतिहास की जड़ें बहुत गहरी होती है। लेकिन क्लेम ये किया जाता है कि तेजो महल है, महादेव जी का मंदिर है, कई लोग जो है क्लेम करते किसी का महल है, कई लोग बोलते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर ही है ये, बाकी कुछ नहीं है। तो आपके इसके बारे में क्या मत है अवश्य जानना चाहूँगा। मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि मुगलों के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं ना, कि सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव, मुझे इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव इसको मानते हैं, जबकि सिंबल ऑफ ये लस्ट होना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, ताजमहल के बारे में, और जल्दबाजी में जो बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो जल्दबाजी बनाना पड़ रहा है। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।